तो विद्युत नगर में जो खेल होने हैं उनका सबसे बड़ा आकर्षण यदि रहता है तो वो रस्सा कसी रहता है और ये आप देख सकते हैं अभ्यास की जो प्रक्रिया है वो यहाँ चल रही है इसमें ताकत और सूझबूझ सबसे अहम भूमिका निभाती है ये रस्सा कस्सी का जो खेल है इसमें दोनों तरफ बराबर संख्या में जो खिलाड़ी होते हैं इसकी ओपनिंग अट्ठारह नवम्बर को होगी जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी होंगे और जिसकी अध्यक्षता हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे एमडी जो डी एच यू के पी सी मीणा जी वो इनकी अध्यक्षता करेंगे और इनके हमारी जो सेंट्रल स्पोर्ट्स कमेटी है उनके चेयरमैन माननीय वीरेंद्र मान जी डायरेक्टर हमारे प्रोजेक्ट डी एच से हैं नमस्कार मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम जो है हिसार के विद्युत नगर में मौजूद हैं यहाँ पर बेहद खूबसूरत माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि तैयारियां हो रही हैं खेलों को लेकर जो तमाम कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने रोज़ाना की ड्यूटी पर आते हैं लेकिन कभी कभी कुछ नया भी होना चाहिए इसलिए विद्युत नगर अपने आप में एक अलग तरीके से जाना भी जाता है और इस तरह की इवेंट जो है अक्सर यहाँ देखने को मिलते हैं इस बार जो खेलों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तैयारियां लगातार हो रही जानते हैं कि आखिर टीमें कहा से आएंगी और किस तरह का इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे सर सबसे पहले अपना नाम बता नमस्कार जी मैं रविंदर पानू जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल स्पोर्ट्स कमेटी डी एच जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं खेलों में हाँ वो पूरी जानकारी ये सर इसमें हम हर वर्ष की तरह ये इलेवंथ हमारे इंटर इंटरसर्कल स्पोर्ट्स मीट है इसमें हमारे आठ गेम हम रख रहे हैं जिसमें फुट आ, एथलेटिक्स फुटबॉल बास्केटबॉल टेबल टेनिस वॉलीबॉल शूटिंग और तीन इनमें हमारे जोन के हैं महिलाओं के हेड ऑफिस हिसार ऑपरेशन हिसार हाँ। और दि, दिल्ली जोन इनमें चौदह चौदह लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी हाँ। जिसके तीन इवेंट होंगे हंड्रेड एथलेटिक में है हंड्रेड मीटर टू हंड्रेड मीटर और शॉर्टपुट हाँ। और एक टग ऑफ वार महिला में रहेगा और बैडमिंटन तीन इवेंट लड़कियों के आ, ये गेम जो है कितने दिनों तक चलने वाले हैं और खासतौर से इसमें चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं उसके बारे में इसकी ओपनिंग अठारह नवम्बर को होगी जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी होंगे और जिसकी अध्यक्षता हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे एमडी जो डी एच के पी सी मीणा जी वो इनकी अध्यक्षता करेंगे और इनके हमारी जो सेंट्रल स्पोर्ट्स कमेटी है उनके चेयरमैन माननीय वीरेंद्र मान जी डायरेक्टर हमारे प्रोजेक्ट डी से हैं जी, है। जी. अक्सर जो है जब भी यहाँ खेल होते हैं एक तरह का अलग उत्साह देखने को मिलता है बीच में कोविड का दौर आया जिसको लेकर के शायद काफी समय से गेम नहीं हो पाए अब कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं इस बार एक लंबा इंतजार तमाम खिलाड़ियों को देखिए सर वो कोरोना में तो सब एक बार तो जिंदगी थम ही गई थी जीवन ही चुनौती हो गया था उसके बाद अभी हमारे ऑफिसर्स मान्य एम डी मान्य एस पावर उनके प्रयासों से दोबारा से यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ उत्साह आप देख रहे हैं कैसे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं जो मतलब खेलों का मेन उद्देश्य है यहाँ पे एक ही टीम में जैसे टग ऑफ का हमारा लड़कियों का मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर्कल और हेड ऑफिस की टीम में की उसमें प्रैक्टिस कर रही है जिन्होंने कल आपस में जिनका कंपटीशन होना है तो, तो खेल हमें यही सिखाता है कि आपस में एक दूसरे की मदद करो एक दूसरे से मिलजुल के रहो एक दूसरे कोपरेट करो भाईचारा मतलब बढ़े वही हमारा खेलों का मेन एम है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से दो विभिन्न सर्कलों की एक ही टीम में मतलब प्रैक्टिस कर रही है और यदि बात खिलाड़ियों की करें लगभग कितनी संख्या होने वाली है यहाँ पर खेलों में खिलाड़ी सर देखिए दस हमारे सर्कल हैं और एक हेड ऑफिस हमारी टोटल फिफ्टी सेवन एक टीम में पार्टिसिपेट करें वो मेन की जो मैं बात कर रहा हूँ तो छह सौ हमारे मेन पार्टिसिपेंट रहेंगे और चौदह एक सर्कल से ऑपरेशन जैसे हमारी वो जोन से लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं हाँ। तो तीन जोनों से चौदह चौदह फोर्टी टू लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी तो टोटल हमारे लगभग छह सौ सत्तर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और सौ के लगभग ऑफिशियल इसमें जो ऑफिस करेंगे हाँ। वो इसमें होंगे और सभी ऑफिसर साहिबान भी हमारे यहाँ पे सो बढ़ाएंगे खेलों को लेकर के उत्साह साफ तौर से नजर आ रहा है तैयारियां भी खूब जबरदस्त हो रही हैं आ, अलग अलग गेम इवेंट होने वाले हैं मुख्य आकर्षण की मैं बात करूं तो वो सबसे ज्यादा किसका रहता है किस गेम को लेकर के बड़ा आकर्षण यहाँ देखिए मुख्य आकर्षण तो टग ऑफ वार हमारा बिजली बोर्ड का पुरा, पुराना गेम है और टग ऑफ वार का ही हमारा स्टंड ये बताऊंगा आपको कि टग ऑफ वार इंडिया की टीम में आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की टीम में बिजली बोर्ड के हर बार कम से कम दो चार पांच प्लेयर हमारे पार्टिसिपेट करते हैं जी। इंडिया की टीम मैं खुद भी खेला हूं इंडिया की तरफ से टग ऑफ में और हमारे पहले भी कई और प्लेयर हैं मैं बात करूंगा दलजीत मोर प्रदीप चहल और मिस्टर सजन जोगिंदर ये भाई पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे और अभी ताजा तो हमारे भारत की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो लिस्ट जारी की है उसमें टग ऑफ को भी मैन गेम में रखा गया है क्या बात है बहुत अच्छी बात है और खासतौर से जो तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं अब गेम के स्टार्ट होने वाले हैं उसको लेकर के इंतजार भी लंबा था। उनसे आप जरूर हाँ, आप, आप, आप सबको मतलब अपने दिल की उससे मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ भाई आपको यहाँ पे टूर्नामेंट का आप लुप्त उठाएं देखे हमारी बिजली बोर्ड की बड़ा अच्छा हमारा नेशनल से भी बढ़ के हमारी टूर्नामेंट होती है बड़ा ही आकर्षक मतलब आपको रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे बहुत बढ़िया और आप भी क्या नाम है आपका नमस्कार सर मैं राजेश दलाल हूँ मैं बेसिकली फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ अच्छा हाँ जी हाँ जी तो आप बताएं कैसा रहने वाला है ये तो जी रहना की है मेला तो नहीं कोविड के कारण बंद हो गया था इतना अच्छा मन लगता है इसमें मतलब कर्मचारी का जो प्यार प्रेम बढ़ता है और एक यहाँ से जाएंगे फिर अक्षेत्र में जाएंगे एक जी। मतलब दिमाग में रहती है ब्रेक डाउन फ्यूज उठ गया फलान हो गया दिगड़ हो गया क्योंकि 24 घंटे लाइट मिल चाहती है पब्लिक को लेकिन यहाँ से एकदम तरो होकर के हमारे भाई साहब रविंदर जी जनरल सेक्रेटरी इनके मार्गदर्शन में और हमारे आला अधिकारी वो बड़े पॉजिटिव हैं खेल के प्रति चाहे वो दास साहब की बात है चाहे हमारे एम साहब की बात है वो खेल के प्रति बहुत पॉजिटिव है और कोरोना की महामारी से हम उभर चुके हैं है। और आपको बड़े अच्छे आयोजन यहाँ खेलने को मिलेंगे जैसे भाई साहब ने बताया टैगोफवार टैगोफार को कई लोग समझेंगे रस्सा कस्सी रस्सा कस्सी का जो खेल होगा हमारा भाई खींच दो खींच दो खींच दो बहुत अच्छा होगा और राष्ट्रीय लेवल के अपने संतोष ट्रॉफी तक खेले हैं अपने फुटबॉल के खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें वाली के भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं एक तो टाइम ऐसा था भाई साहब कि बिजली बोर्ड बिना कभी टीम नहीं बनती थी इंडिया की वो भी दौर था शायद वो दौर अब सरकार भी खेलों के प्रति पॉजिटिव है और हमारे अधिकारी भी खेलों के प्रति पॉजिटिव हो सकता है कि वो दौर दोबारा आ जाए कि बिजली बोर्ड के बगैर इंडिया की टीम ना बने क्या बात है बहुत सुंदर तो एक अच्छा आयोजन है हाँ जरूर जरूर बता बताए बात करे ना आप की भाई बिजली बोर्ड में खेलों की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कपिल देव जो क्रिकेटर है उनको कौन नहीं जानता वो भी हमारे बिजली बोर्ड में एलडीसी रह चुके हैं और दलेल जी हैं जो हमारे अर्जुन वाडी है, है। बाली बाल के है। वो भी बिजली बोर्ड में रहके गए हैं तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तिया नामचिन एक टाइम था वॉलीबॉल की इंडिया की टीम में पांच प्लेयर बिजली बोर्ड के होते थे और जो अभी हाल ही में वीरेंद्र गुंगा पहलवान के नाम से जो अभी एक मसला चल रहा है अभी पदम श्री अवार्ड जिसको मिला है जी जी। वो भी अभी कोच लगे उससे पहले हमारे इसमें एल डी थे हमारे साथ ही खेलते थे हाँ। उस के प्लेयर हूँ क्या बात है अच्छा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा की ये जो ग्राउंड है हाँ। इसमें शाम के वक्त जो छोटे बच्चों की रौनक बहुत देखने को मिलती है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे वो यहाँ पे सर एथलेटिक का सेंटर है यहाँ पे मेरी मिसेज है वो कोच है हरियाणा गवर्नमेंट में वो बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं और यहाँ से बहुत अच्छे लड़के निकल के गए हैं मैं बात करूँ दो में जो संदीप कुमारी इस इन गेम में पार्टिसिपेट करके आय जकार्ता वो इसी ग्राउंड की लड़की है और एक तन्नू कुमारी है अभी नेशनल मेडलिस्ट रही है जी। और भी अन्य कई कम से कम पंद्रह बीस बच्चे जो नेशनल की, की, की।, की जो टीम थी की की वो मतलब खेलने के लिए तैयार थी तो हरियाणा बिजली बोर्ड ने उसको चैलेंज कर दिया की टीम को हमारी बिजली बोर्ड की टीम से खिलाओ तो भाई साहब ताजुब की बात है कि वो मैच टाई ब्रेकर में चला गया मतलब पूरी इंडिया की टीम एक तरफ हरियाणा बिजली बोर्ड की टीम और वो मैच है ना टाई ब्रेकर में चला गया मतलब बिजली बोर्ड की इतने खिलाड़ी होते थे और बस हमें तो उम्मीद करते हैं कि वही दौर दोबारा आ जाए और जैसे खेलों के प्रति पॉजिटिव सारा तो हो सकता है एक दिन वो माहौल बिल्कुल, बिल्कुल ये देखिए वहाँ पे जो है पीछे आप देखेंगे रस्सा कसी की तैयारियां भी चल रही हैं और मेडल लेकर अरे क्या बात है सुरेश जी खेलों को लेकर खूब तैयारियां हो रही हैं कैसा अनुभव है आपका आप कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत बढ़िया महसूस मेडल और मेडल दो बार लेके आए हैं दो हजार चौदह दो हजार पंद्रह में और लगातार जब से भर्ती हुए हैं कंटिन्यू तीस सालों से ये हमारी जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की जो टूर्नामेंट हमारी होती है हर साल उसमें लगातार तीस सालों से चैंपियन बनते रहे क्या

एडवांस मिले इसलिए हमारा ओलंपिक में एशियाड में हमारा स्टैंडर्ड गेम में बना हुआ जी हाँ इसका सबसे बड़ा कारण ये है आज के बच्चे पढ़ने लगे स्पोर्ट्स साइज को जाने लगे उनको तो क्या खाना है क्या पीना है क्या प्रैक्टिस करनी है कौन सी मसल की करनी है कौन सी उसकी करनी है सबसे बड़ा कारण ये है बच्चे आज के पहले से भी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं जी सरकार को लेकर क्या कहेंगे हरियाणा सरकार की खास तौर से बात करूंगा कि स्पोर्ट्स को लेकर कितना हरियाणा सरकार की भी है जी ठीक कर रही है जी फिर भी जो वो बात नहीं जी जी तक तक है जी हाँ। रूट लेवल पे हम जहाँ भी जाते हैं तो बात ये आती है कि ग्राउंड लेवल पे जो ग्रास रूट पे बात करें धरातल पे उतना खेल नहीं हो पा रहा है धरातल पर तो तो पेरेंट्स आज अच्छा कर रहे हैं जी पेरेंट्स अच्छा कर रहे हैं जी वही बच्चे निकल रहे हैं जी जहाँ पेरेंट्स वो करते हैं मेरे बच्चे भी गेम करते हैं जी तो मैं तकरी तकरीबन गंघरा का घर पर लिखे हुआ जी वेट ट्रेनिंग का है और वो है मसल का है वो है और बच्चे निकले भी वहींगे जिसका जो पेरेंट्स वो सम्मान करेगा जी बहुत शुक्रिया थैंक यू जी तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं आ, खास तौर से रस्सा कस्सी को लेकर के और बड़ा ही खूबसूरत माहौल और ट्रेनिंग एक तरह से जो है वो होती हुई नज़र आ रही है तो विद्युत नगर में जो खेल होने हैं उनका सबसे बड़ा आकर्षण यदि रहता है तो वो रस्सा कस्सी रहता है और ये आप देख सकते हैं अभ्यास की जो प्रक्रिया है वो यहाँ चल रही है और जो है तमाम जो दर्शक यहाँ पर आते हैं खेल प्रेमी आते हैं वो विशेष रूप से उनमें रस्साकसी को लेकर के एक आकर्षण होता है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खासतौर से जो एकता है उस का ये गेम है कि हम जो है एक दूसरे के सहयोग से किस प्रकार से इसमें ताकत और सूझबूझ सबसे अहम भूमिका निभाती है ये रस्सा कस्सी का जो खेल है इसमें दोनों तरफ बराबर संख्या में जो खिलाड़ी होते हैं और कुछ इस तरह से जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कि दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई हुई है और ये देखिए तो ये खूबसूरत ख्याल आप लोग अभ्यास कर रहे हैं थोड़ा बताएं कैसा आ, महसूस हो रहा है और तैयारियां कैसी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हाँ। पिछले दस दिन से हम लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं जी। और वुमेन पावर विक्ट्री जी जी सर हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं है। और कल भी हम अपना पूरा पूरा अपना योगदान देंगे अपने गेम में बिल्कुल सबसे बड़ा आकर्षण जो है आप लोगों का ये रहता है को लेकर के काफी लोग देखने आते हैं यस सर हाँ जी सर कल हमारा गेम है सत्रह को है। और हम जीत ही हासिल करेंगे हम दस दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं अठारह तारीख को आप क्या कहेंगे यस सर हमें यही सोचा है नारी शक्ति जिंदाबाद बहुत सुंदर जी हम जीत गए इस बार बिल्कुल है पुरुष तो हर एक गेम में है यहाँ पे लेकिन है ना महिला कर्मचारियों के लिए ये हमने गेम रखवाया है, है। और हम इसमें अच्छे से अच्छा अपना सौ परसेंट देंगे अच्छा करेंगे और जीतेंगे बिल्कुल, बिल्कुल यही के लिए ही पार्टिसिपेट किया और हम जीत के ही जाएंगे यहाँ बात है पिछले दस दिनों से हम लगातार प्रैक्टिस पे आ रहे हैं और उम्मीद है कि पूरा आत्मविश्वास है इस टाइम कि हम लोग ही जीतेंगे वी विल विन कितनी देर से अभ्यास हो रहा है लगभग दस दिन से हो ही रहा है दस दिन से हम लोग लगातार प्रैक्टिस पे आ रहे हैं दस दिनों से हाँ सर दो बजे पहुँच जाते हैं हम और दस दिन हो गए बिल्कुल रड़ी है इसका मतलब ये दस दिनों का अभ्यास जो है हाँ जी है। दस दिनों का अभ्यास काम जी दस दिनों का अभ्यास सबसे भारी <laughs> जी आ, कैसा महसूस कर रहे हैं खास तौर से अभ्यास और कल जो है क्या कुछ रहने वाला सर बहुत अच्छा मतलब इंजॉय किया हमने बहुत अभ्यास में भी और कल सर जो भी मतलब कि मतलब मेहनत तो सभी सभी करेंगे सर हाँ। फिर जो भी मतलब जीत गया वो ठीक है सर वीनर अच्छा ये बताइए ऑफिस टाइम और अब एक नई कुछ चीजें थोड़ा सा कैसा महसूस करती हैं जब खेलों में आप होते हैं? खेलों में सर एक मतलब एक आ, अच्छा महसूस करते कि एक फैमिली की तरह मतलब महसूस किया हमने ऐसा नहीं है कि हम मतलब अलग अलग घर से आए हुए हैं तो बहुत रोजाना काम के साथ और फिर बीच में एक नया बदलाव अच्छा ये जरूरी होता है सर ये बदलाव भी सारा दिन हाउस वाइफ मतलब लगी रहे, सारा दिन काम करती रहे और अभी आके थोड़ा सा सर इंजॉय घर को भूल जाते हैं सर और मतलब रिलैक्स मतलब खुशी मिलती है सर की मतलब हम थोड़ी सी देर बातें कर लिए और एक दूसरे के साथ मतलब टच में आगे तो अच्छा लगता है सर ऐसे यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगे सर जी। बहुत सुंदर तो हाँ जी बताएं मेरे को सेम कॉलेज टाइम याद आ रहा है अच्छा हाँ जी तो कॉलेज में अब तो काफी लंबा अरसा हो गया होगा नहीं सर मेरे, हो मेरे को अभी मैंने मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ अभी तीन साल हुआ मेरी शादी को भी तीन साल हुए हैं अच्छा। और मेरे को कॉलेज ड्रॉप किए अभी बाकी अभी मैं स्टडी के टच में हुआ ऐसी बात नहीं है मैं अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने स्टडी से या कॉलेज से मतलब बिल्कुल ब्रेकअप कर लिया मेरी एम भी परसुइंग है हाँ जी तो यहाँ किस पोस्ट पे यहाँ पे एज ए एल ओके बहुत बड़े अरे भाई तुम क्या कर रही हो क्या नाम है तुम्हारा पिहू पिहू ये क्या कर रहे थे यहाँ पता है वीडियो बना वीडियो बना दिया कैसा लगा भाई ये गेम अच्छा था अच्छा तो ये मम्मी हाँ ये बात है ना मैं देखने देखने कब से आ रहे हो आप दाल दाल। तो खास तौर से रसाकसी को लेकर के एक अलग तरह का आकर्षण देखने को मिलता है और जाहिर तौर पर जब के ये गेम होंगे तो इसका आकर्षण अपने आप में अलग नजर आने वाला है जाहिर तौर पर जो है खेलों में हम अपने आप को एक तरह से रिचार्ज कर पाते हैं एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं तो अब आप लोग जो है आप लोगों को छोड़े जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कल जब यहाँ गेम होंगे तो भारी तादाद में तमाम दर्शक होंगे और इन तमाम महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक पहुँचे और एक तरह का नया ऊर्जा नई नया उत्साह इनमें भरता हुआ नजर आए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए